आगरा स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तोमर कहते हैं कि एसोसिएशन द्वारा सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूल ऐसे बच्चों पर नजर रखेंगे जो बीमार चल रहे हैं, उन्हें छुट्टी लेने की हिदायत दी गई है ताकि वे दूसरे बच्चों के संपर्क में न आए, ताकि अन्य बच्चों को इस वायरस से बचाया जा सके। यही नहीं, उनके द्वारा कोरोना वायरस को लेकर स्कूल के मुख्य गेट पर पैम्पलेट भी चस्पा कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है और उसको सूचना देना हमारा कर्तव्य है और हर बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हम पूरे सतर्क हैं। हमने असेंबली के अंदर, पीटीएम में और नोटिस के माध्यम से सूचना कर दी गई है, बच्चे को बुखार, जुखाम या खांसी होती है तो तुरंत डॉक्टर पास ले जाएं। यदि गेट पे कोई बच्चा दिखता है हमको कि स्कूल में एंटर करते समय कि किस तरह की कोई एक्टिव है उसके अंदर, तो तुरंत उसको जो है पेरेंट्स को बुला के सौंपते हैं और डॉक्टर की एडवाइस के बिना उनको दोबारा प्रवेश दिया जाता है। इस बारे में एक मिशनरी स्कूल के प्राचार्य कहते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल की सभी क्लास में बच्चों को जानकारी देना शुरू कर दिया है। साथ ही स्कूल में एक अस्थायी नर्स को भी रखा है जो किसी बच्चे के ज्यादा बीमार होने और उसकी जांच पड़ताल कर उनके पेरेंट्स को सूचित करेगी ताकि माँ बाप अपने बच्चे का इलाज समय से करा सकें। कोरोना के बारे में हम जानते हैं कि कितना भयानक ये वायरस है जो चाइना में फैला हुआ है और पूरी दुनिया इसके बारे में सतर्क है और हमारा भारत के लोग भी इसके जागरूक हैं और हर स्कूल में हमारे स्कूल में कॉलेज में एडवाइजरी जारी की है बच्चों के लिए भी और हमारे स्टाफ के लिए भी कि ये भयानक वायरस फैला हुआ है तो आप अपने आसपास में, अपने घरों में और जो भी बच्चे अपने स्कूल में आते हैं उनके ऊपर निगरानी रखें कि किसी बच्चे को ज़्यादा खांसी तो नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इसका कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत हमारे ऑफिस में इत्तला कर दे। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर पर्यटन नगरी आगरा लगातार अलर्ट पर है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या फिर शहर के निजी अस्पतालों की। और अब स्कूल ने इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर ये साबित कर दिया है कि आगरा शहर इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीजी महाजन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।